अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट रुमैमा मलिक। आपको अपने चैनल ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए गाइस, आज की हम एपिसोड का आगाज़ करते हैं। तो आज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा हमारे पास ओलोविया क्रीम, और इस किस्म का जो है हम इसको मास्क भी कह सकते हैं, और ये कलर है, असल में एक्चुअल में ये कलर है किसके लिए, हेयर्स के लिए। तो गाइज़, आप सब लोगों को पता होगा कि हेयर्स प्रॉब्लम जो है वो आजकल डैंड्रफ की वजह से या डस्टिंग की वजह से जो है वो आजकल हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो किसी के बाल डस्ट की वजह से ब्राउन, और जो है ये सूरज की शुआओं की वजह से किसी के ब्राउन हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि डैंड्रफ की वजह से किसी के बाल जो हैं वो वाइट हो रहे हैं। तो इन सब के लिए हम लाए हैं एक अच्छा सा सोल्यूशन आप लोगों के लिए। हमारे पास ओलोविया वालों का एक कलर है, हेयर कलर है, जो कि इसमें तकरीबन और कलर्स भी होते हैं, ब्राउन कलर्स में भी होता है। और अगर आप अपने बालों को जो है वो ब्राउनिश और मेहरून कलर जो है वो थोड़ी सी शाइनिंग देना चाहे तो उसमें भी अवेलेबल है डिफरेंट कलर्स इसके। तो हमारे पास ये तकरीबन 200 में 190 इसकी जो है वो प्राइस है, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को, इस क्रीम को और इसको जो है वो क्रीम डेवलपर को, और इसको जो है वो अपनी क्रीम को जो होता है इसे मिक्स करना होता है, और किसी ऐसी चीज़ में मिक्स करना होता है ताकि वो दोबारा जो है ब्लैक हो जाती है, तो किसी चीज़ के काबिल नहीं रहती, तो आपने उसको उसके लिए दोबारा किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आप उनको हेयर्स पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मेहंदी की तरह उसको छोड़ देना है। मेहंदी की तरह जब वो खुश्क हो जाए तो फिर उसको अपने बालों को क्या करते हैं, धो लेते हैं, और इसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको जो आम हमारे पास कॉम्ब होता है, कंघा होता है, उससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस कलर्स में वाइटामिन्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे बालों को जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। वाइटामिन ई होते हैं, और इसके अलावा इसमें अच्छा सा नेचुरल ब्लैक कलर होता है जो हमारे बालों को जो होता है नेचुरल लुक देता है। तो गाइज, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो इनको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।